ये माला देगा को देखते हुए एक विशेष छापामारी दल गठित कर करके जो वांटेड अभियुक्त है उड़ाने का प्रयास और छापामारी का अभियान चल रहा था। इस दल के द्वारा बारी बारी से कुल तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के पश्चात उसमें से एक जो है और दिलीप किस्कू है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। बाद में पहले शिवशंकर चौड़े को पकड़ा गया जिसके निशानदेही पर उन दोनों को पकड़ा गया और पकड़ाने के बाद चौड़े ने अपना नाम बदल दिया और नाम अपना पता सही नहीं बता रहा था, लेकिन जब उसका नाम पता सत्यापन किया गया तो मालूम चला कि उसका सही नाम पता चला और वह 201 2020 खड़गपुर थाना कांड संख्या का वांटेड अभियुक्त था। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। शिवशंकर चौड़े का अशोक चौड़े एक स्टेट लेवल का नक्सली है जो विगत 15-20 साल से फिरार चल रहा है और एक हेड लेवल का मैंने स्टेट लेवल का जो है वो टीम में रहता है और अभी तक जितने कांड उसके विरुद्ध हुए हैं उसमें फरार चल रहा है। शिवशंकर चौड़े जो है पहले भी एक घटना घटी थी भीम बांध पर जिसमें गाड़ियों से जला उला दिया गया था। वहां पर मजदूरी का काम करने के दौरान वो सारी सूचनाओं को लीक करता था और नहीं सूचना पर ले भी नहीं मिला जिसके कारण घटना घटी थी, उसमें भी पहले ये जेल जा चुका है। दूसरा दिलीप किस्कू जो और दिलीप किस्कू पहले नक्सलियों को हथियार सप्लाई करता था, एक मिनी गन फैक्ट्री भी गंगटा में पकड़ा गया था जिसका कांड संख्या 219-14 है, इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई थी। उस समय अभी इसका साला जो नक्सली का बहुत सारे कांडों में था अभी फिलहाल जेल में है और जेठू कोड़ा भी 201-2020 का अभियुक्त है। ये तीनों नक्सल के से जुड़े हुए हैं और नक्सली घटना में इनका योगदान रहा है और एक तरह से ये नक्सल का जेनरेशन वाला संगठन।